भैंस की तरह कीचड़ में डूब रहे हो, निकल रहे हो, जरा अपने भी कीचड़ देख लिया करो। संतों के या किसी महापुरुष के या माता पिता के धवल वस्त्र के ऊपर पड़े हुए एक कीचड़, कीचड़ फेंकना सबसे आसान है आज के दुनिया में। फेंक दिया, अब तुम सफाई करना तुमको है, उसका तो काम था फेंक देना, कीचड़ तो लग गया, अब तुम साफ करो। भारतीय कानून ही ऐसा है, आरोप लगा दो, अब साबित तुम्हें करना पड़ेगा कि तुम हो या नहीं हो। आरोप लगाने वाले का काम सिर्फ आरोप लगा देना है, जाके एफआईआर करा दो, हमारे घर पर इन्होंने चोरी कर लिया, 5,01,000 रुपया, इतना सोना, नाम क्या है, नाम दे दो। एफआईआर हो गया, नेम्ड एफआईआर। पहले तो गिरफ्तारी हो जाएगी, पहले तो अंदर चले जाओगे, अब कोर्ट में साबित करते रहो 3 साल तक कि तुम चोरी किए थे कि नहीं। ये कानून है हमारा, यहां आरोप लगाना बहुत आसान है, यहां कानून के बड़े दुरुपयोग हुए हैं। आपने देखा अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया SC ST Act को थोड़ा इजी किया है, क्योंकि उसके भी बड़े दुरुपयोग हुए, किसी से परिचय भी नहीं और किसी ने कह दिया कि इन्होंने मुझे जाति की गाली दी है और वो जेल चले गए। डॉरी एक्ट का देखा आपने, दहेज अधिनियम का इतना इतना दुरुपयोग हुआ, लेने देने वाले तो आज भी बचे हुए हैं, पर बेचारे ऐसे ऐसे लोग अंदर चले गए, छोटे छोटे लोग, कि हम क्या बताएं। हमारे एक शिष्य हैं सिंह जी, बिलासपुर वाले, 10 साल हो गए बेचारे, इतने सज्जन व्यक्ति, लेकिन देखो तो 10 साल से परेशान हैरान। इसलिए ये मत समझ लो कि कानून ने जो कर दिया बस मुहर लग गया, ना 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 भैया, यहाँ तो जेल में कुंभन दास भी चले गए, यहाँ तो जेल में वो गुजरात के संत कौन है, नरसिंह मेहता तक को डाल दिया गया, यहाँ कौन नहीं गया, कोई जा सकता, कोई चला जा सकता। हाँ, किसी के पापों का समर्थन नहीं है, कोई किसी के व्याभिचार का समर्थन नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सिर्फ कि भीड़ मत बनो। मैंने एक दिन कहा था, भीड़ के साथ एक शब्द लगा रहता है, भाड़। भीड़ में ज्यादातर भाड़ ही लोग रहते, नहीं कहते भीड़ भाड़ कैसा था, तो भीड़ हटा दो तो क्या बचा, हाँ वही लोग रहते भीड़ में, भीड़ भाड़, सबरे भाड़, जहां ज्यादा भीड़ है वहीं भाड़ होंगे, पक्का जान लो, उनको किसी चीज से मतलब नहीं। मक्खी मानुष और मधुमक्खी मानुष में अंतर समझ लो, मक्खी है वो पखाने के ऊपर भी बैठे